देखिए, तेजाजी नगर के अंदर 2 दिन पूर्व एक पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि एक जो तेजाजी नगर के सामने जो ब्रिज है वहाँ पे एक गुमटी के अंदर एक व्यक्ति की लाश, एक जली जली अवस्था में एक बॉडी पुलिस को प्राप्त हुई। तत्पश्चात हमने वहाँ पे FSL अधिकारी को बुलाया और उसके पश्चात बॉडी को PM करने हेतु हमने रवाना किया। शुरुआती तौर पे ऐसा कुछ संदिग्ध हमको प्रतीत नहीं हो रहा था, किंतु जब डॉक्टर द्वारा शॉर्ट PM हमको उपलब्ध कराया गया तो उस शॉर्ट PM की रिपोर्ट में पाया गया कि जो व्यक्ति है, मृतक है, उसके गले पे ट्रैकिया पंचर था, साथ ही साथ उसके चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर किसी धारदार वस्तु से भी हमला किया गया था। तो उस पर से ये स्पष्ट हो गया था कि ये जो घटनाक्रम है ये सामान्य इस ये मर्डर का एक घटनाक्रम है, जिस पर से हमने तुरंत उसमें 302 की धारा का इजाफा करके कायमी की और उसकी विवेचना स्टार्ट करी। तत्पश्चात हमारे द्वारा एरिया के सभी CCTV फुटेज को चेक किया गया और उसके अंदर हमें एक संदिग्ध लड़का दिखा गुमटी के थोड़ा सा दूर भागते हुए। हमारे द्वारा उस लड़के को जब राउंड अप किया गया तो उसके द्वारा ये बताया गया कि एक अन्य उसने मृतक के साथ एक अन्य व्यक्ति को देखा था, दोनों आपस में छीना झपटी कर रहे थे। तत्पश्चात हमने उस व्यक्ति को भी राउंड अप किया। उस व्यक्ति को राउंड अप करने के पश्चात ये पता चला कि जो मृतक था ये यहाँ शाहजहाँपुर का रहने वाला था। यहाँ पे ये गुमटी के अंदर काफ़ी दिनों से रह रहा था और इसके पास एक महंगा मोबाइल भी था। तो जो दूसरा आरोपी था, राजकुमार गिरी गोस्वामी, उसके द्वारा अत्यधिक शराब के सेवन में इससे मोबाइल मांगा गया, किंतु इसने जब मना किया तो दोनों के बीच छीना झपटी हुई। तत्पश्चात उसने अपने घुटने से उसके गले के ऊपर पाँव रखा, उसकी मृत्यु कारित कर दी। किंतु मृत्यु कारित करने के पश्चात उसने पूरी गुमटी को भी आग लगा दी, जिसके कारण जो व्यक्ति अंदर था जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हमारे द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। इसके साथ साथ उस आरोपी ने जो मोबाइल था वो 1500 रुपये में एक अन्य शिव गिरी गोस्वामी को भी बेचा था। हमारे द्वारा उस व्यक्ति को भी इस पूरे ही प्रकरण में राउंड अप कर लिया गया है। इस प्रकार जो घटनाक्रम शुरुआती दौर पे जिसपे से पुलिस ने मर कायम किया था, शॉर्ट PM के आधार पर उसमें 302 की धारा का इजाफा किया गया और तत्पश्चात आरोपियों को राउंड अप किया गया। सर, मृतक का कोई नाम आया इसमें? मृतक प्रहलाद कुशवाहा करके है मृतक, जो शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। ये 55 वर्ष के आसपास इनकी आयु है। क्या करने का क्या वजह, क्या देखिए, मुख्य वजह ये थी कि उसके पास एक अच्छे मोबाइल था और चूंकि वह भी शराब का सेवन किया करते थे और अकेले रहा करते थे, और ये जो आरोपी है इसके द्वारा उससे वो मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया, तो उसी घटनाक्रम में छीना झपटी के दौरान मृतक की मृत्यु जब हो गई तो इसके द्वारा साक्ष्यों को मिटाने के लिए और डर के कारण इसने बॉडी के अंदर गद्दे सहित आग लगा दी।